हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड आई मोना वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद बिलीजर मोना। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सीखेंगे कुछ ऐसे नए स्ट्रक्चर्स और नए वर्ड्स जिनसे हम अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। इन स्ट्रक्चर्स और वर्ड्स की हेल्प से हम डे टू डे लाइफ में जो सेंटेंस यूज किए जाते हैं उनको बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं, सबसे पहले मैंने लिया है प्रिटेंड टू। प्रिटेंड टू का फ्रेंड्स मीन्स होता है, एक तो आपका मीन्स होता है दिखावा करना, दिखावा करना, और दूसरा होता है नाटक करना। दोनों का लगभग एक ही सेंस है, नाटक करना। तो इसको प्रिटेंड को हम कैसे किसी सेंटेंस में यूज करेंगे, कैसे इसकी हेल्प से सेंटेंस को फॉर्म करेंगे और उसे अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करेंगे। सो फ्रेंड्स आइए देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, वह पढ़ने का नाटक कर रहा है। तो आप ये सेंटेंस आपको डेली लाइफ में बोलने की जरूरत पड़ सकती है, वह पढ़ने का नाटक कर रहा है, अरे वो रोने का नाटक कर रही है। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं वहाँ हम यूज करेंगे प्रिटेंड टू। तो सेंटेंस क्या बनेगा, पहले तो आप ये देख लीजिए, मैं साथ के साथ ये भी बता देती हूँ, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का जो है सेंटेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का। तो फ्रेंड्स ऐसे सेंटेंस होते हैं आपको पता ही है कि उसमें रहा है, रही है, रही है, आता है। तो फ्रेंड्स ये सेंटेंस होगा, ही इज प्रिटेंडिंग टू रीड, ही इज प्रिटेंडिंग टू रीड। अगर फ्रेंड्स आप, अगर आपको यहाँ देखना है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस कैसे बनेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के जो सेंटेंस होते हैं वो कैसे बनेंगे, तो इसके लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने ऑल टेंसेस बताए हैं, आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो उसकी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वह पढ़ने का नाटक कर रहा है, ही इज प्रिटेंडिंग टू रीड। तो ये सेंटेंस तरीके से बनेगा, मुझे पता है तुम खुश होने का नाटक कर रहे हो, मुझे पता है तुम खुश होने का नाटक कर रहे हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे पता है, आई नो। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, आई नो, मुझे पता है तुम नाटक कर रहे हो, यू आर प्रिटेंडिंग खुश होने का, टू बी हैप्पी, टू बी हैप्पी। तो इस तरीके से हम सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं और अपनी डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं। आई नो यू आर प्रिटेंडिंग टू बी हैप्पी। नेक्स्ट सेंटेंस है, बीमार होने का नाटक मत करो। कुछ लोग होते हैं जो बीमार होने का नाटक करते हैं कि कुछ काम ना करना पड़े या कहीं आना जाना ना पड़े, तो वो बीमार होने का नाटक करते हैं। तो वहाँ हम ये सेंटेंस बोलेंगे, बीमार होने का नाटक मत करो। तो सिंपल डोंट का यूज करेंगे, डोंट प्रिटेंड टू बी सिक, डोंट प्रिटेंड टू बी सिक। अगर कोई लंबे समय से बहाने बना रहा है बीमार होने का नाटक कर रहा है, तो आप यहाँ सिक की जगह इल का यूज भी कर सकते हैं। सिक और इल दोनों का मतलब होता है बीमार होना, लेकिन सिक जो होता है वो होता है शॉर्ट टर्म के लिए और इल होता है आपका लॉन्ग टर्म के लिए। तो सेंटेंस हो जाएगा डोंट प्रिटेंड टू बी सिक। तो अब से आपको अगर किसी को ये सेंटेंस बोलना हो कि बीमार होने का नाटक मत करो, तो आप इंग्लिश में कहिएगा डोंट प्रिटेंड टू बी सिक। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, रोने का नाटक मत करो। बच्चे ज़्यादातर रोने का नाटक करते हैं, तो बच्चों को बोलना ही पड़ता है रोने का नाटक मत करो। उसके लिए हम सेंटेंस बनाएंगे, इसको हम सिंपल डोंट से स्टार्ट करेंगे, डोंट प्रिटेंड टू बीप एंड क्राई। मैंने आपको यहाँ बीप और क्राई दोनों का यूज किया है। अगर बच्चा है चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के रो रहा है, देन यू कैन से डोंट प्रिटेंड टू क्राई, डोंट प्रिटेंड टू क्राई। अगर कोई बड़ा लोग है रोने का नाटक कर रहा है, ऐसे धीरे धीरे रो रहा है, तो उसको लिए हम बीप का यूज करेंगे। तो सेंटेंस हो जाएगा डोंट प्रिटेंड टू क्राई। नेक्स्ट सेंटेंस है, बहुत से लोग अमीर होने का नाटक करते हैं। आजकल ना ज़्यादातर लोग अमीर होने का ही नाटक करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जो हैं वही दिखाइए, अमीर होने का नाटक करने के चक्कर में पता है आप और ज़्यादा गरीब होते चले जाते हैं। लोगों की अर्निंग है, पता चला मान लीजिए 10,000 रुपये महीने, और खर्च कर रहे हैं 20,000 रुपये महीने, इधर से ले लिया उधर से ले लिया, कर्ज ले लिया, और फिर अमीर होने का नाटक करते हैं, वो लोग और ज़्यादा गरीब होते जाते हैं। इसलिए अमीर होने का नाटक नहीं करना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए, आप जो हैं सो हैं। सो फ्रेंड्स सेंटेंस होगा, बहुत से लोग अमीर होने का नाटक करते हैं, मैनी पीपल, बहुत से लोग के लिए क्या बोलेंगे, मैनी पीपल, मैनी पीपल प्रिटेंड टू बी रिच, मैनी पीपल प्रिटेंड टू बी रिच। तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस को हम इस तरीके से बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा प्रिटेंड टू का। अब आप यहाँ कहेंगे कि सो ऑफ, सो ऑफ मीन्स भी दिखावा होता है,
तो फ्रेंड्स वो होता है हमारा फिजिकली। अगर हम किसी वस्तु के बारे में बात करें, सपोज दैट कोई कार लेके आ गया नहीं और फिर वो अपनी कार का दिखावा करेगा, तो हम वहाँ शो ऑफ का यूज करेंगे, ना कि प्रिटेंड टू का। ये जो प्रिटेंड टू है वो नॉन फिजिकली वे में होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, ये सब नॉन फिजिकली वे है। यहाँ पर केवल हम कोई भी जो सेंस है, कोई भी एक्टिविटीज है उसको करके दिखा रहे हैं, कोई फीलिंग्स है उसको सामने वाले को जता रहे हैं, तब हम प्रिटेंड टू का यूज करेंगे। वह कार का दिखावा कर रहा है तो वहाँ शोइंग ऑफ का यूज करेंगे, ही इज शोइंग ऑफ हिज कार, वह अपनी कार का दिखावा कर रहा है। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि शो ऑफ का यूज हम यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ ओनली प्रिटेंड का ही यूज होगा। सो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंसीडर टू। कंसीडर टू का मीन्स होता है समझना या फिर मानना, मानना। जैसे कि हम कह देते हैं कि मैं तुम्हें अपनी अपनी बहन मानता हूँ, आई कंसीडर यू माई सिस्टर। और यहाँ कंसीडर टू का यूज करके बनाएंगे कुछ सेंटेंस समझने के सेंस में, क्या तुम मुझे पागल समझते हो, क्या वो मुझे डरपोक समझता है। तो इस तरीके के सेंटेंस को बनाएंगे कंसीडर टू से। कंसीडर टू के साथ हम करेंगे बी का यूज, तो आपका स्ट्रक्चर बनेगा कंसीडर टू वी, कंसीडर टू वी। सेंटेंस देखते हैं, तुम क्या मुझे पागल समझते हो। तो यहाँ से आप चेक करेंगे कि ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो यहाँ हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, डू। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका यू है इसलिए हमने यूज किया है डू। सेंटेंस होगा डू यू कंसीडर मी, ये हो गया डू यू कंसीडर मी, तुम क्या समझते हो, तुम क्या समझते हो मी मुझे, तुम मुझे क्या समझते हो, टू बी मेड पागल, तुम मुझे पागल होना समझते हो, पागल समझते हो। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम क्या मुझे डरपोक समझती हो, तो ये सेंटेंस होगा आपका डू यू कंसीडर मी टू बी टिमिड, डू यू कंसीडर मी टू बी टिमिड। तो इस तरीके से सेंटेंस अगर आप डेली यूज में बोल रहे हैं, वो क्या मुझे ये समझता है, तो वहाँ आप कंसीडर टू वी का यूज कर सकते हैं। वो क्या मुझे चालाक समझता है, तो वहाँ पर भी आप कंसीडर टू वी क्लेवर का यूज करके सेंटेंस को बना सकते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम क्या उसे बेवकूफ समझते हो। आपस में दो लोग बातें कर रहे हैं किसी थर्ड पर्सन के बारे में, एक बोल रहा है तुम क्या उसे बेवकूफ समझते हो, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, डू यू कंसिडर हिम टू बी इडियट, डू यू कंसिडर हिम टू बी इडियस। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये सेंटेंस बनेंगे। वो क्या मुझे नौकर समझता है, हम डेली यूज में बात कर ही लेते हैं, कोई जब हमें बार बार काम करने के लिए बोल रहा है, वो क्या मुझे नौकर समझता है। सेंटेंस क्या होगा, डज ही कंसिडर मी टू बी सर्वेंट, वो क्या मुझे नौकर समझता है। तो इस तरीके से हम कंसिडर टू का यूज करके सेंटेंस बनाते हैं और उन्हें डे टू डे यूज में, अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। फ्रेंड्स इसी तरीके से मैंने प्रिटेंड टू का बताया था और आपको एक बताया है कंसीडर टू का। तो आप इन दोनों के स्ट्रक्चर पर और दोनों के जो मैंने सेंटेंस बताए हैं उसी बेस पे आप और सेंटेंसेस बनाइए और उन्हें अपनी डे टू डे लाइफ में यूज कीजिए। फ्रेंड्स अगर ये आज की जो वीडियो है आपको पसंद आई है तो प्लीज़ फ्रेंड्स एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक शेयर से मुझे मिलेगा मोटिवेशन और मैं आऊँगी आपके लिए अगली बार एक और नई वीडियो लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।